जेके न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने आपको राजौरी एनकाउंटर से जुड़ती हुई हर एक अपडेट जो है, हर एक न्यूज जो है वो आपके तक पहुंचाई, अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो इस समय जो है राजौरी एनकाउंटर से ही रिलेटेड एक न्यूज आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि राजौरी एनकाउंटर में दो हमारे आर्मी ऑफिसर्स और दो जो है सोल्जर्स जो है वो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दे दी है। वहीं पर आपको फिर से एक बारी नजर डलवाऊं कि आज सुबह से राजौरी में जो है वो एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था दो आतंकी जो है वो जंगल में छिपे हुए हैं और तब से जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ। उसके बाद जो है एक आतंकवादी को जो है वो मौत के घाट पहुंचाया गया। उसी मुठभेड़ के बीच जो है हमारे दो आर्मी ऑफिसर्स और दो सोल्जर्स जो है वो अपने देश के लिए शहादत दे दी उन्होंने। तो आप लोग वीडियो को साथ ही साथ शेयर करिए और उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उन सोल्जर्स के लिए जो है वो ओम शांति जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा से हमारी आर्मी फोर्सेस जो है वो सेना बल के जवान जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं आज भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उस मुठभेड़ के बीच जो है हमारे दो आर्मी के जवान और दो सोल्जर्स जो है वो उनकी जो है वो शहादत हो गई और वो इस समय हमारे बीच नहीं है। तो जरूर ओम शांति लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को हमेशा से हमारे हिंदुस्तानी सेना जो है वो नाकाम करती हुई नजर आई है और आज भी कहीं ना कहीं एक मिलिटेंट को जो है वो ढेर कर दिया गया है हमारी सेना की तरफ से। और आगे का ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी चल ही रहा है। क्या कुछ इस खबर को लेकर निकल कर फिर से सामने आता है जरूर आपके तक रखेंगे, लेकिन फिर से आपको जाते जाते बताती चलूं कि दो आर्मी के जवान और दो सोल्जर्स जो है हमारे इस मुठभेड़ के बीच जो है वो उन्होंने जो है देश के लिए शहादत दे दी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में उन जवानों के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा जेके न्यूज टुडे के साथ।